इटावा में विपक्षियों को फंसाने के लिए हुए गोलीकांड का एक दल पुलिस ने किया खुलासा। 4 अभियुक्त तमंचा और कारतूस समेत किए हैं गिरफ्तार। 1 जून को एक दल थाना क्षेत्र के पक्का बाग इलाके में हुआ था गोलीकांड। 25 मई को फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मोबाइल के रुपए को लेकर सत्यम तोमर और अजय के बीच हुई थी मारपीट। सत्यम ने अजय और उसके भाई को फंसाने की साजिश के चलते साथियों के साथ मिलकर रची थी इस पूरे घटनाक्रम की साजिश। पुलिस ने जांच में खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए इटावा से संजीव कुमार की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। 2021 की रात्रि में थाना एकदिल पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना एकदिल के अंतर्गत पक्का बाग क्षेत्र में एक युवक के पैर में जो है गोली लग गई है और वो घायल है। इस सूचना के प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा युवक के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसके आधार पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध तीन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, किंतु यह घटना जो थी शुरुआत से ही वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। आज इस घटना का अनावरण हुआ है और इस घटना में जो वास्तविक अभियुक्त थे उनकी आज गिरफ्तारी हुई है एक पुलिस मुठभेड़ के अंतर्गत, और अभियुक्तों के पास से एक जो है पिस्टल उसे बरामद हुई है और 3 उससे कारतूस भी आज बरामद हुई है। जब इसमें जो अभियुक्त आज अरेस्ट में है उनका नाम है अंकित यादव, आरजू, विकास और ऋषु। इस घटना के होने के बाद थाना एकदिल के द्वारा जो स्थानीय वहां पर रोड्स थे वहां पर छानबीन की गई और हमें एक सीसीटीवी की फुटेज प्राप्त हुई, जिस फुटेज में यह देखने से पता चला कि जो युवक जिसे गोली लगी थी उसका 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जब इन युवकों की पहचान की गई और उन युवक तो ये पता चला कि ये युवक तो वो हैं जो इनका पीछा कर रहे थे। आज उन युवकों को जब अरेस्ट किया गया तो उनके द्वारा यह बताया गया कि जो लड़का जिसके पैर में वहाँ पर गोली लगी थी उसके द्वारा और ये 4 अभियुक्तों के द्वारा एक साजिश के अंतर्गत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आधार पर जो इसके विपक्षी हैं अजय, शिवम और कपिल उनको यह फंसाना चाहता था, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही इनके मध्य एक मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। तो इस प्रकार से आज इस घटना का जो है पटाक्षेप हुआ है और इस FIR में जो अजय, शिवम और कपिल जो नामजद थे उनकी इस घटना में नामजदगी को जो गलत पाई गई है और 4 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया गया है और वह युवक जिसके पैर में गोली लगा था उसको भी इसमें वांछित किया गया है, उसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।